नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड के कद्दावर नेताओं में शुमार समाजवादी पार्टी के गरौठा से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव को आप लोगों से घिरा हुआ देख रहे हैं। दरअसल इन दिनों दीप नारायण सिंह यादव मध्य प्रदेश के निवाड़ी, टीकमगढ़ आदि इलाकों में पूरी तरह से सक्रिय हैं। इसे आप राजनीतिक रूप से भी देख सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच सामाजिक सरोकार से दीप नारायण सिंह यादव अपने आप को गहरे तरीके से जोड़ रहे हैं। ये जो हम आपको नज़ारे दिखा रहे हैं वह निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के किशोरपुरा, मुड़ेरा और आदि गांव में जो शादी विवाह के समारोह हैं और अन्य कार्यक्रम हैं उनमें भाग लेने के लिए पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव जब वहाँ पहुँचे तो आप देख सकते हैं उनकी लोकप्रियता किस प्रकार से है कि लोग उन्हें अपने साथ रखते हुए सेल्फी लेने को जहां उतावले हैं तो वहीं हर कोई उनसे अपने दिल की बात कहना चाहता है। दरअसल निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में दीप नारायण सिंह यादव एक तरफ से जहां राजनीतिक रूप से अपनी सक्रियता को दर्शा रहे हैं तो वहीं सामाजिक सरोकार से खुद को जोड़ते हुए एक नए प्रकार के समीकरण को गढ़ना चाहते हैं। माना जा रहा है कि निवाड़ी विधानसभा चुनाव में दीप नारायण सिंह यादव की जो पत्नी है श्रीमती मीरा दीपक यादव, वह एक बार यहां से विधानसभा चुनाव जीत भी चुकी हैं और इस बार फिर से दावेदारी कर रही हैं। ऐसे में सामाजिक तौर पर दीप नारायण सिंह यादव की जो स्वीकारता है वह अब एक वर्ग विशेष में ना होकर समस्त जात बिरादरियों में फैल गई है। यही कारण है कि उन्हें निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से लोग अपने किसी ना किसी आयोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हालत यह है कि एक दिन में कई कई गांव में होने वाले कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करने के लिए पहुंचना पड़ रहा है। इधर राजनीतिक रूप से अगर देखें तो दीप नारायण सिंह यादव ने संकेत भी दिए हैं कि वह कांग्रेस से यदि समझौता होता है तो उस समझौते के तहत आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी उनकी पूरी नज़र इस विधानसभा सीट में जो विकास को लेकर उनके हिसाब से काफ़ी कमी है उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा उसके लिए वह रणनीति बना रहे हैं, खाका खींच रहे हैं, लोगों के बीच संवाद करते हुए उन्हें इस बात का भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्यकाल मीरा दीपक यादव को मिला था उस कार्यकाल में जो कार्य हुए थे और उनसे बेहतर कार्य अगले कार्यकाल में किस प्रकार से होंगे वो दीप नारायण सिंह यादव लोगों को बता रहे हैं। युवाओं में उनका क्रेज बहुत अधिक देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं जब महफिल में बैठते हैं तो हर कोई उन्हें अपने बात कहने को आतुर नजर आता है। दीप नारायण सिंह यादव के साथ में जहाँ एक तरफ करोठा से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जवाहर सिंह राजपूत, उन्होंने जब दीप नारायण सिंह यादव ने बीते दिनों यह बात का ऐलान किया कि वह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से मिलकर पूरी स्थिति को रखेंगे तो उसको लेकर जवाहर सिंह राजपूत खासे नाराज नजर आए और एक मीडिया चैनल से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि वह पूरी तरह से तैयार हैं, दीप नारायण सिंह यादव चाहे योगी जी से मिलें और जो भी उनको बात करना है करें, लेकिन उनके जो तेवर हैं दीप जवाहर सिंह राजपूत के वह दीप नारायण के प्रति आज भी उतने ही तल्ख नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने बातचीत के दौरान जिस प्रकार से दीप नारायण सिंह यादव को गुंडा माफिया कहा उससे लगता है कि उनको दीप नारायण सिंह यादव के प्रति जो सोच है उसको वह अपने पूरी तरह से बरकरार रखे हुए हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी अपराधी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल ये राजनीतिक जंग जो चल रही है उन सब के बीच हम आपको निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से जो दो तीन दिन के अंदर के नज़ारे हैं वो आपको दिखा रहे हैं, जहाँ आपने देखा होगा कि दीप नारायण सिंह यादव के साथ में जो वर्ग है युवा से लेकर प्रौढ़वस्था और बुजुर्गों का वह कितनी आत्मीयता से उनसे मिलता है। दीप नारायण सिंह यादव ने बातचीत के दौरान जिस प्रकार से स्पष्ट किया है कि वह किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करते हैं और ना ही उनकी सोच में ऐसा कुछ शामिल है,
उन्होंने जो कुछ भी कमाया है पूरी मेहनत और लगन से। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि वह जेल में भी जब थे तो क्षेत्र के लोगों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। हजार बहनों के जो आशीर्वाद हैं और लोगों का जो प्यार है, उनकी शुभकामनाएं हैं, यही कारण है कि वह जेल से बाहर आ गए हैं। फिलहाल इन दिनों उनकी जो सक्रियता, हम आपको लगातार 2-3 दिनों की सक्रियता को एक साथ में दिखा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप अंदाज लगाइए कि इस बार निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में दीपनारायण सिंह यादव का जो परसेप्शन है वह कुछ बदला नजर आता है। लोगों का मानना है कि उन्हें इस बार कुछ सहानुभूति वोट भी मिलने की उम्मीद है। हालांकि मुकाबला जब सामने आएगा और जब सामने विपक्षी उम्मीदवार आएंगे तब क्या माहौल बनेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन उनके प्रति लोगों का जो स्थानीय स्तर पर रवैया देखने को मिल रहा है, लोगों से बातचीत में जब उनसे पूछा जाता है कि दीपनारायण सिंह यादव के प्रति आपकी क्या धारणा है, तो काफ़ी कुछ धारणा में बदलाव के स्वर सुनाई देते हैं। यह बताते हैं, दर्शाते हैं कि दीपनारायण सिंह यादव की क्षेत्र में जो लोकप्रियता है वह बहुत ज़्यादा है और वह इस लोकप्रियता को जीत में बदलने के साथ ही जो ग्रामीण इलाका है निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र का, कई सारे किशोरपुरा, मुड़ारा और अन्य तमाम जो गांव हैं, उन गांवों में आज भी मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी कमी है और दीपनारायण सिंह यादव कहते हैं कि वह इन कमियों को दूर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार का जो बदलाव का दौर है वह मध्य प्रदेश में अब दिखाई देगा। तो ऐसे में वह इस नए दौर के साथ में विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से प्रदर्शन करेंगे यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उनके जो 3-4 दिनों के जो प्रदर्शन की आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं, उस कवरेज से एक बात तो साफ है कि दीपनारायण सिंह यादव इस बार नए सामाजिक समीकरण तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए विरोधियों को काटना बहुत कठिन नजर आएगा, क्योंकि रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, हर समय वह क्षेत्र के लोगों के बीच आपको घिरे नजर आएंगे। लिहाजा आप यह मान सकते हैं कि इस बार क्षेत्र में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आपको हमने दीपनारायण सिंह यादव के जो क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो भ्रमण किया है उसकी हमने आपको गतिविधियाँ दिखाई, साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार से अब वह एक नए समीकरण को बनाते हुए जिसमें जाति वर्ग विशेष ना होकर सभी वर्गों को लेकर और सभी वर्ग और आयु के लोगों को लेकर एक नया प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उन्हें एक सफलता के रास्ते पर ले जाने की तैयारी करता नजर आता है। तो फिलहाल आप देखते रहिए कि जो दीपनारायण सिंह यादव हैं, जिन्हें देख सकते हैं आपकी महिलाओं का कितना सम्मान और प्यार मिलता है, क्योंकि वह हजार बहनों के भाई हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी यह छवि इस क्षेत्र में भी उन्हें काफ़ी करिश्माई साबित करने को आतुर नजर आती है। हम आपको जल्द ही उन क्षेत्रों में दीपनारायण सिंह यादव की मौजूदगी के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से वह आगे की रणनीति पर चलेंगे, उसको भी हम दिखाएंगे आपको। फिलहाल आप देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट।